नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21G versus Micro Max in Note 2 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21G में 6.46 इंच जबकि इन Note 2 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Y21G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y21G में 2.99 इंच जबकि इन Note 2 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Y21G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y21G में 0.31 इंच जबकि इन Note 2 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y21G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21G में 182 ग्राम्स जबकि इन Note 2 में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Y21G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y21G में IPS LCD जबकि इन Note 2 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21G में 6.51 इंचेस जबकि इन Note 2 में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21G में 720x1600 और इन Note 2 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21G में 81.99% जबकि इन Note 2 में 84.02% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21G में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि इन Note 2 में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और इन Note 2 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और इन Note 2 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और इन Note 2 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। यही अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21G में Mali G52 MC2 जबकि इन Note 2 में Mali G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21G में MediaTek Helio G70 और इन Note 2 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21G में अप टू 1TB जबकि इन Note 2 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21G में Android V12 जबकि इन Note 2 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21G 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें इन Note 2 की तो वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Vivo Y21G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Micromax in Note 2 की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में इन नोट 2 आगे है, मेन कैमरा में इन नोट 2 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इन नोट 2 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08i है, दूसरा शाओमी रेडमी 10a है, तीसरा ओप्पो A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको C31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।